तमीज़, इसे कभी मैं ढूंढूं उन लोगों में जिन लोगों के चेहरे पर झूठी चमक है। आंकलन में ही चोर कह दिया यही बात तो सबसे ज्यादा निराशाजनक है। अरे आदत है औरों पर लानत कसना, हमारी आदत है, वजह क्या बताऊं, आजकल के रिश्ते ऐसे खत्म हो रहे। समझ नहीं आ रहा कि इन टूटे हुए रिश्तों पर लोग हंस रहे या फिर रो रहे। गुरूर चेहरे पर लेकर चल रहे, पर एक बात जो हम भूल रहे कि ये मिट्टी की दुनिया, यहाँ सब मिट्टी के हैं। गुरूर किस बात का मिलना, यहाँ सबको मिट्टी में है, पर मगरूरी कैसे छोड़ेंगे हम। चेहरे पर गुरूर और पैसों की मगरूरी के पीछे पड़े हैं हम। दाखिल हो चुका है घमंड लोगों की नियत में, छल साफ दिख रहा उनकी हरकत में। आजकल खैरियत पूछने वाले मतलब के वक्त हाल पूछते हैं, मतलब खत्म तो फिर मुंह फेर कर अपनी स्वार्थ भरी राह की ओर चल पड़ते हैं। जहन और रूह पर मेरी एक एक चीज असर कर रही है, तभी तो दुनिया भर की बुराई मेरे अंदर औरों को दिख रही है। बुराई से मेरा मतलब ये था कि मेरी नाकामयाबी का लोगों को ज्यादा इंतजार है। मेरे अगर कंधे झुके हैं तो फिर औरों के लिए ये एक मीठा आहार है। खुदा तो सिर्फ उनको ही सजा दे और मासूमों को लिंचिंग की वजह बना दे। असर तो होना नहीं है, चाहे आंसू किसी के भी गिरे यहाँ। वो माँ सहारा हो चुकी जिसके बेटे को उस भीड़ में पीटा गया। वो माँ अब तरसेगी इसलिए नहीं कि उसका बेटा घर का राशन चलाता था, वो इसलिए तरसेगी क्योंकि उसका बेटा उसके लिए खुशियां और सुकून घर जो लाता था। ये बातें यहाँ पसंद नहीं आती किसी को भी, क्योंकि कड़वी सी वाणी का मतलब होता सच ही। सच पर सब चुप और झूठ का ही सब नाम ले, महफूज होकर चलने में तो अब डर लगे। एहसान कर तू ए जिंदगी बेगुनाहों को गम के अश्क से ना, परेशान कर तू ए जिंदगी बेगुनाहों को गम के अश्क से ना, परेशान कर तू ए जिंदगी, परेशान कर तू ए जिंदगी, ए जिंदगी। साइनिंग आउट, पीस, बी हैप्पी।